फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी ट्विन फ्लेम के लिए डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी पर बनाया जा रहा है। आफ्टर इस महाशिवरात्रि के बाद आज की ये करंट एनर्जी है। हाईएस्ट प्रिस्टेस की एनर्जी में काम करने वाली सबसे टॉप पर ही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अपनी आत्मा को दिए की तरह फॉलो करते हुए आगे बढ़ी जा रही है। डिवाइन को समर्पित करते हुए अपने आप में कंप्लीट होने का एहसास कर रही है। अपनी सारी उथल पुथल चिंताओं को अपने आप से अलिप्त होता हुआ महसूस कर रही है। उस शांति को महसूस कर रही है जैसे बहुत बड़े तूफान के बाद सारा समुंदर शांति में स्थित हो जाता है। कोई हलचल नहीं होती है, कोई उद्वेग नहीं होता है। शांत स्थिर अवस्था में खुद को निहारते हुए अपने आप को ऐसे अद्भुत स्थिरता में देख रही है जिसका अनुभव पहले उसने लिया भी होगा, परंतु वो सिर्फ कुछ ही पलों का था, कुछ ही समय का था, कुछ ही क्षणों का था, परंतु अब का ये उसका अनुभव उसने स्थायी स्वरूप से पा लिया है। उस परम शांति को पूर्णतः अपने आप में स्थित किया है जिसके खोज में ही वो इतनी ज़्यादा विचलित हो रही थी। उस परम शांति को पा लिया है जिसके खोज में वो इतनी ज़्यादा विचलित हो रही थी। अब उसके लिए पाने को कुछ बचा ही नहीं है। सारी प्रकृति की व्यवस्था मानो उसी के लिए ही काम कर रही थी और इसका एहसास दिल की आत्मा की गहराइयों से उसे स्वयं अपने आप में महसूस हो रहा है। अपने साथी से बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी सवालों से, बिना कोई संदेह से, स्वीकृति की भावना से, निस्वार्थी प्रेम की भावना से वो उनका स्वागत कर रही है। इस महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही अद्भुत बदलाव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हुआ है और ये एनर्जी सकारात्मक रूप धारण करके तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। जो कि पहले वेटिंग के एनर्जी में थी, हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अब वेटिंग की एनर्जी से मुक्त हो चुकी है, अलिप्त हो चुकी है, अलग हो चुकी है। इस टॉप पर की एनर्जी में एंटर करने वाली बहुतांश डिवाइन फेमिनिन अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुकी है। जो पहले अपूर्ण तत्व में अपने आप को देख रही थी और जो पहले इन सवालों से घिरी हुई थी कि पूर्णत्व का अनुभव कब होगा, कैसे होगा और कब तक होगा। अपने साथी के बिना पूर्णत्व प्राप्त करना मुश्किल है या नामुमकिन है। वही डिवाइन फेमिनिन आज अपने आप में उस पूर्णत्व का अनुभव स्वयं ले रही है और अब वो इस बात से अनजान नहीं है कि स्वयं को पूर्णत्व में लाने के लिए ही आज तक उसका ये सफर था और ये उसकी जर्नी थी और यही उसकी ये साधना थी, अपने आप में कंप्लीट होना, अपने आप में पूर्णत्व को लाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि इस बदलाव में उसने ये जाना है कि ये कम्प्लीशन अपने आप में ही घटित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो बाहर घटित होने से पहले अपने आप में उसका एहसास होना जरूरी है और उसी एहसास का अनुभव जितनी भी डिवाइन फेमिनिन अभी कर रही है वो निश्चित ही डिवाइन को, यूनिवर्स को और अपने साथी को वो ग्रैटिट्यूड देते हुए आगे बढ़ी जा रही है। अपनी एनर्जी को संभालना, बैलेंस करना और अपने आवश्यकता के अनुसार उसका आदान प्रदान करने की गजब की शक्ति उसके अंदर आ चुकी है। व्यर्थ की कामनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, जिसका बोझा उसे भारी लग रहा था, वो सारा बोझा उसने खुद ही उतार के नीचे रख दिया है। अब वो अपने साथ कोई भी ऐसी एनर्जी को कैरी नहीं करना चाहती है जिसकी उसको व्यर्थता लगे। इसीलिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना और इस साइकिल से अपने आप को मुक्त करना, इसी सोच और विचार से अपने आप पर और भी काम करने की इच्छा से और डिवाइन और यूनिवर्स के साथ अपना अलाइनमेंट करते हुए पूरी तरह से सरेंडर होकर अपने आप में व्यस्त दिखने वाली ये हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सबसे ऊपर टॉप पर चल रही है और इस एनर्जी से कनेक्ट होने वाले उनके साथी यानी उनके डिवाइन मस्कुलिन की अगर बात करें तो अपनी डिवाइन फेमिनिन को हाईएस्ट लेवल में देखकर उनके डिवाइन मस्कुलिन भी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का एहसास कर रहे हैं। अपने अंदर अधिकतम बदलाव को वो खुद ही महसूस कर रहे हैं। जो पहले लोगों से प्रभावित होकर हर काम को अंजाम देने वाले, हर समय दूसरों की भाषा सुनकर काम करने वाले डिवाइन मस्कुलिन अब हर कामों को अपनी और खुद की नज़र से देखकर करना चाह रहे हैं।
सत्य का प्रकटीकरण उन्हें हो चुका है। पहले सिर्फ 3D वर्ल्ड में फंसे रहने वाले डिवाइन मस्कुलिन पैसा, जॉब, मनी, बिजनेस और इन्हीं चिंताओं में घिरे रहने वाले डिवाइन मस्कुलिन अभी आध्यात्मिकता को स्वीकार कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का महत्व उन्हें समझाया जा रहा है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उन्हें जो पहले बताने की कोशिश करती थी परंतु असफल रही, अभी उसी डिवाइन फेमिनिन को दिल की गहराइयों से सुन रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे विनम्रता भरी भावनाओं से देख रहे हैं। उनकी आत्मा में मानो सत्य की ज्योत जल उठी है और उसी ज्योत को देखते हुए उन्हें आगे के रास्ते भी सूझ रहे हैं। अन्यथा अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से अंधकार में डूबता हुआ महसूस किया था। डिवाइन फेमिनिन के जाने के बाद उनको सारा जीवन व्यर्थ सा लगने लगा था, परंतु एक उसकी कोई किरण हमेशा उन्होंने पकड़ के रखी हुई थी जिससे वो अपनी अंतर आत्मा से जुड़े हुए थे। वही हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का एहसास है जो उन्होंने भी अपने दिल में कहीं पर दबा के रखा हुआ था, परंतु अब उन्होंने भी जान लिया है कि ये दबाने से छुपने वाला नहीं है, ये प्रकाश है और इसी प्रकाश से ही सारा अंधेरा नष्ट होने वाला है और दबाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये प्रकाश अपना काम खुद ही करेगा और अंधेरे को मिटाने के सिवाय इसका और कोई काम नहीं है। और उसी ज्योत की लो में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, जो कि उनकी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने भी अपने आप को इसी तरह से समर्पित किया हुआ है। और इस तरह से ये दोनों एनर्जीज समर्पण की अवस्था में है और कई डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अभी इसी करण की स्थिति में है। इस महाशिवरात्रि के बाद गजब का यह ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों एनर्जीज में हुआ है और इन दोनों एनर्जीज ने अपनी स्थिरता को पा लिया है और वो अभी इसी में अपने आप को स्वयं को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी चल रही है उन डिवाइन फेमिनिन की है जो अभी भी कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से, कुछ ना कुछ मिलने की अपेक्षा से इस जर्नी को जी रही है कि हमें इस जर्नी में कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम पेन में है, दर्द में है, हमें रुलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, डिवाइन हम पर अन्याय कर रहे हैं, हमारे काउंटर पार्ट से हमें अलग कर दिया गया है, हमारे डिवाइन मस्कुलिन हमसे खपा है, हमारे ट्विन हमसे खपा है, वो नाराज है, प्रेम की कोई भी नन्ही सी किरण भी हमें नहीं मिल रही है। इस जर्नी में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से सांकेतिक चिन्ह हमें दिखाए जा रहे हैं परंतु उनका असर हम पर उल्टा ही हो रहा है। ऐसे में हमारा जॉब, करियर, बिजनेस एंड हमारा सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम क्या करें, किस दिशा में कदम बढ़ाएं, ये हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी स्थिति में रहने वाली बहुतांश डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत सारे सवालों से, डाउट से, कन्फ्यूजन से और बहुत से नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरी हुई है और जितनी ज़्यादा मुश्किलें उन्हें अपने सामने आती जाती वो देख रही है और अपने आप को ट्विन के प्रति कमज़ोर होता हुआ देख रही है। तो ऐसी एनर्जी में स्थित रहने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन को सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पहले आप डिवाइन को, यूनिवर्स को इस जर्नी को कोसना बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपने आप को और अपने ट्विन को कोसना बंद कर दीजिए। 50% प्रॉब्लम्स आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और इसका अनुभव आप स्वयं इसी पल में, इसी वीडियो में सुनते सुनते ही महसूस करेंगे। बाकी बची 50% प्रॉब्लम आपकी, आपकी अवेकनिंग, आपका इनर वर्क और आपका अनकंडीशनल लव और इसी प्रेम में खुद को समर्पित कर देना, इसी से ही आपकी बची हुई प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। इस जर्नी में कुछ नहीं मिलता है ऐसे कहने वाली प्यारी डिवाइन फेमिनिन खुद ये जानती है कि ये जर्नी उनके जीवन का एक स्वर्ण भरा उपहार है जो डिवाइन की तरफ से उन्हें प्रदान किया गया है। परंतु आपकी पाने और ना पाने की अतुल्य इच्छा से आप स्वयं को नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए सर्वप्रथम आप स्वयं को देखें। और पाना और ना पाना ये जीवन का खेल है, इससे कोई भी नहीं बचा है। अगर आपने इस जर्नी को स्वीकार किया है, अगर आपने अपने जीवन को स्वीकार किया है तो इस जर्नी में घटने वाली और आपके जीवन में घटने वाली हर चीज़ों को, जो आपको मिलेगी और जो आपको नहीं मिलेगी, उन सारी चीज़ों को आपको स्वीकृति की दशा में लाना है। अपने जीवन को स्वीकार किया है तो मृत्यु भी जीवन का ही हिस्सा है।
उसे भी स्वीकार करे, और जिसने भी जीवन और मृत्यु को स्वीकार किया उसको ऐसी छोटी मोटी ना मिलने वाली और मिलने वाली चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलना बिछड़ना ये प्रकृति का ही नियम है, परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। आपके विपरीत प्रकृति आपको कुछ भी नहीं देती है और ना ही आपसे कुछ छीनती है। ये प्रकृति के कर्म सिद्धांत का नियम है। कुछ चीजें अगर इस जर्नी में आपके विपरीत हो भी रही हो तो इसमें प्रकृति की कोई चाल नहीं है। प्रकृति हमेशा नियमा के अनुसार ही काम करती है और कर्मा के अनुसार ही उसका फल हमारे सामने आता है। हम कर्म करके भूल भी जाते हैं परंतु उसका हिसाब किताब प्रकृति अवश्य रखती है और उसके अनुसार ही लेन देन चलता है। इस जर्नी में आप आए हो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना ही आपका काम है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सबसे पहले अपने आप को, स्वयं को देखना कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है। हमें जो चाहिए वो हमें पाना है तो प्रकृति के नियमों को जानना ये सर्वप्रथम हमारा काम है। और हमें मार्गदर्शन भी इसीलिए ही किया जा रहा है कि हम उस पर काम करें, अपने विकारों को समाप्त करें। निर्मल और पवित्र आत्मा प्रकृति का ही दूसरा रूप होता है। प्रकृति आपको स्वयं बनना है। इस तथ्य को जब तक आप समझ नहीं लेते हैं तब तक प्रकृति आपको आपके खिलाफ ही नजर आएगी। इसीलिए सर्वप्रथम स्वयं को देखने का अंदाज बदले, उन चीज़ों पर अपना फोकस रखे जो आपकी उन्नति करे, जो आपकी आत्मा में पवित्रता बढ़ाए, जो आपकी आत्मा को सुदृढ़ और तंदुरुस्त बनाए। जिन विचारों से अपनी आत्मा को ग्रहण लग रहा है उन विचारों को, उन कुविचारों को, उन ख्यालों को, उन ब्रह्मों को त्याग दे। उदार भावना से और समर्पित निस्वार्थी भावना से आगे बढ़े तो आप अपने आप को स्वयं सिद्ध पाएंगे। अपने साथी को उल्टी दिशा में जाते हुए देखकर घबराए नहीं। आप स्वयं अपना रास्ता देखें और उन्हें अपने रास्तों पर जाना है तो उन्हें जाने दें। आप स्वयं अपना रास्ता देखें। रीयूनाइटेड होने वाले ट्विन कपल्स जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते पर चले। हर कोई अपनी आत्मा को फॉलो करते हुए अलग अलग रास्तों को भी क्यों ना चुने, परंतु सबकी अपनी अपनी परीक्षाएं हैं, सबके अपने अपने खुद के अनुभव हैं, सबके अलग अलग रास्ते हैं, परंतु सबकी मंजिल एक ही है और उसी मंजिल पर सब एक ही होने वाले हैं। भले कोई कितनी भी कठिन रास्तों से, पहाड़ियों से, जंगलों से या कितनी भी अंधेरे रास्तों से क्यों ना गुजरे और अलग अलग रास्तों से भी क्यों ना गुजरे, परंतु उसको आना तो एक ही जगह पर है। उसे आना तो उसी प्रकाश की लौ में है जहाँ सभी डिवाइन में मर्ज होंगे। इसीलिए कोई अंतर नहीं है कि आपके साथी दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। उन्हें अपना रास्ता चुनने दीजिए। अगर वो आपसे बिछड़ भी जाए तो मिलना तो सभी को एक ही जगह पर है। इस बात की गहराई को समझिए और इस जर्नी पर संदेह ना करते हुए आगे बढ़िए। और एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। जो भी आप सेशन बुक करते हो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्योंकि आपके जो कॉल होते हैं वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, जो हम तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए किसी को भी रीडिंग के लिए सेशन बुक करना होता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।